तो यूपी के जेलों से आए दिन कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती रहती है। गाजियाबाद की डासना जेल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जेल के अंदर अव्यवस्थाएं फैली हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। डासना जेल का जेल डीआईजी मेरठ जोन ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साहब को अच्छी व्यवस्थाएं पाई मिली। गाजियाबाद की जिला कारागार डासना गाँव में स्थित डासना जेल की अव्यवस्थाएं सबको मालूम है, लेकिन दिखाई किसी को देती नहीं है। लोगों का आरोप है कि जेल में बंद बंदियों से मिलने में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे तैसे मिलने का नंबर आ भी जाए तो बंदी से मिलने के लिए चंद मिनटों बाद ही उन्हें कह दिया जाता है कि टाइम समाप्त तो हो गया है। एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाने के लिए जेल कर्मचारी बंदियों से मिलने आए लोगों से अवैध वसूली भी करते हैं। साथ ही जेल से छूटकर बाहर आए लोगों से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका आरोप है कि अंदर कैंटीन तो है, लेकिन कैंटीन संचालक जेल में बंद बंदियों से अधिक पैसे वसूलता है। जब जेल में बंद बंदी और उसके परिवार वाले आते हैं तो परेशान किए जाते हैं, ऐसे ही उन्हें सुविधा के नाम पर और परेशान किया जाता है। सर, आज डासना कारागार का निरीक्षण किया है, क्या देखने को मिला निरीक्षण के दौरान? देखिए, जेल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ये निरीक्षण किया गया है और मैंने यहाँ पाया कि काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और विधिवत रूप से जेल संचालित हो रही है। सर, कुछ कैदी की जैसे जो मिलने बंदियों से मिलने आते हैं उनका आरोप है कि जो टाइम बढ़ाने के नाम पर उनसे एक्स्ट्रा टाइम के नाम पर पैसे दिए जाते हैं। देखिए, जो भी चीज़ है उस सबको मैंने देखा और इसके बारे में सबसे बात किया है। अगर किसी को स्पेसिफिक समस्या है तो वो शिकायत कर सकता है मुझसे, उसका हम विधिक रूप से निस्तारण करेंगे। थैंक यू। दिक्कत यह बस वहाँ 15 मिनट से भाई दोबारा शिफ्ट मिलने, अगर दोबारा शिफ्ट कराया ना तो दूसरी शिफ्ट आती है तो उसके अगर मिलना और बात करनी है तो उसके लिए 100 रुपये ले। कौन लेता है? नहीं भाई, क्या जो भी मैं फिरोजा वहाँ से तो देते हैं वहाँ 100 रुपये। हाँ देते हैं जी।